नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। पैरालिंपियन बना सफल किसान, दुर्घटना से बचा रही है चीटियां, अब हैदराबाद है दुनिया का वृक्ष शहर, कृषि में बढ़ा ड्रोन का उपयोग, अब एक साथ दो डिग्री कोर्स। ये अफ्रीकी युवक बिना हाथ के पैदा हुआ था, लेकिन उसने साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। आइए मिलते हैं सफल किसान बने एक पैरालिंपियन से। सिबो सिसो मोगले बिना हाथों के पैदा हुए थे, लेकिन इस बात ने उन्हें एक सफल किसान बनने से नहीं रोका। वो जो कर रहे हैं बहुत से लोग नहीं कर सके। किसी से भी भीख मांगने की बजाय सिबो सिसो अब लोगों को बहुत कुछ दे रहे हैं। इस युवक ने अपनी विकलांगता को खुद को अक्षम नहीं करने दिया और अब वो कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। वे सब्जियां उगाते हैं और मुर्गी भी पालते हैं। वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनका व्यवसाय बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नीदरलैंड्स और थाईलैंड जैसे देशों में तैराकी में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है। चींटियों की तकनीक चालक रहित कारों को दुर्घटना से बचाने में मदद कर रही है, कैसे आइए देखते हैं। प्रकृति से हम हर बार कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमने चालक रहित कारों का आविष्कार तो कर लिया, लेकिन इनकी दुर्घटनाओं को कम करने की तकनीक हम चींटियों से उधार ले रहे हैं। जी हाँ, चालक रहित कारों को आपस में टकराने से रोकने के लिए चींटियों का अध्ययन किया जा रहा है। बिना ड्राइवरों की मदद के चलने वाली इन कारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली न्यू कंप्यूटर टेक्निक माना जाता है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम या कार को एक दूसरे से टकराने से रोकने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता चींटियों जैसे सामाजिक कीड़ों से सीख ले रहे हैं। चींटियों का झुंड में बिना दिक्कत चलने का सबसे कारगर तरीका चालक रहित कारों को दुर्घटनाओं से बचाने में मदद कर सकता है। इस तरह यातायात नियंत्रण के क्षेत्र में अब चींटियां मानव का मार्गदर्शन करेंगी। संयुक्त राज्य ने हैदराबाद को विश्व के वृक्ष शहर के रूप में मान्यता दी है। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। हैदराबाद को आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा लगातार दूसरे वर्ष विश्व के वृक्ष शहरों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। मान्यता प्रमाण पत्र के अनुसार पिछले दो वर्षों में हैदराबाद में 3.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। आधिकारिक संकेत स्थल के अनुसार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम शहरी वनीकरण की दिशा में समुदायों के समर्पण के लिए दिशा, सहायता और विश्वव्यापी मान्यता प्रदान करता है। इसी के साथ एक स्वस्थ टिकाऊ शहरी वानिकी कार्यक्रम के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। हैदराबाद अब 63 देशों के 119 वृक्ष शहरों की सूची में शामिल है। इस बार पंचायत राज दिवस का मुख्य आकर्षण होगा कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग। लेते हैं ज्यादा जानकारी। कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग इस महीने के अंत में मनाए जाने वाले पंचायती राज दिवस का मुख्य आकर्षण होगा। पंचायती राज दिवस के दौरान ग्रामीण विकास और उन्नत कृषि के लिए लागू कुछ नवीनतम वैज्ञानिक नवचारों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाता है। सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत भारत में एक नए और भविष्य के कृषि मॉडल का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार है। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और रोबो जैसे तकनीक के उपयोग से कृषि उत्पादन, लाभप्रदता और स्थिरता में सुधार हो सकता है। किसानों को सूचना और प्रौद्योगिकी से लैस करके भारत लाभप्रदता और स्थिरता के दोहरे लाभ प्राप्त करने की दिशा में मार्गक्रमण कर रहा है। UGC ने छात्रों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री कोर्स करने की अनुमति दी है। जानते हैं क्या है इसके मायने। भारत में छात्र अब पूर्णकालिक डिग्री पाठ्यक्रमों सहित एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रम पूरे कर सकते हैं। ये नियम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से लागू होगा। UGC के अध्यक्ष M. जगदीश कुमार ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य उच्च शिक्षा के लचीलेपन और निजीकरण की पेशकश करना है। उनके अनुसार छात्र 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों या एक ही विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम हासिल कर सकते हैं। इस निर्णय से छात्र 2 UG या PG डिग्री डिप्लोमा एक साथ फिजिकल मोड, ऑनलाइन मोड या हाइब्रिड मोड में कर सकते हैं। एक साथ 2 डिग्री या अकादमिक कार्यक्रम करने के लिए UGC के दिशा निर्देशों की सूची जल्द ही UGC के वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की उम्मीद है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।